गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया था, सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 फॉर 5 मिनट्स। वन डे व्हाइल एट द पार्क अ वुमेन सैट डाउन नेक्स्ट टू अ मैन ऑन अ बेंच नियर अ प्लेग्राउंड। एक दिन पार्क में एक औरत बैठी हुई थी एक आदमी के पास बगल में ही एक बेंच पे। That's my son over there, she said, pointed towards a little boy in a red sweater who was gliding down the slide. तो उस औरत ने इशारा करके दिखाया कि वो मेरा छोटा बेटा है जो रेड कलर की स्वेटर में है और जो स्लाइड से स्लाइड कर रहा है, मीन्स ग्लाइड कर रहा है, स्लाइड से जो झूल रहा है वही मेरा बेटा है रेड स्वेटर पहने हुए। ही इज़ फाइन लुकिंग बॉय, वो बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा था लड़का। द मैन सेड, वो लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस आदमी ने बोला। दैट्स माई डॉटर ऑन द बाइक इन द वाइट ड्रेस, वो मेरी बेटी है जो बाइक पे है वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए, वो मेरी बेटी है। देन लुकिंग एट हिज वॉच ही कॉल्ड टू हिज डॉटर, तो फिर वो आदमी अपने घड़ी को देखते हुए बुलाता है अपनी बेटी को। वो आदमी क्या करता है, अपने हाथ में पहनी हुई जो घड़ी होती है वो उसको देखता है और अपनी बेटी को बुलाता है। व्हाट डू यू से, शैल वी गो मेलिसा, क्या बोलती हो मेलिसा, क्या हम लोग चल सकते हैं वापस। तो मेलिसा प्लीडेड, जस्ट 4 मिनट्स डैड प्लीज़, सिर्फ 5 मिनट पापा प्लीज़, जस्ट 4 मिनट्स। वो लड़की जो मेलिसा होती है वो बोलती है, सिर्फ 5 मिनट पापा, 5 मिनट के बाद मैं आऊँगी, सिर्फ 5 मिनट पापा दे दो मुझे। द मैन नॉडेड एंड मेलिसा कंटिन्यूड टू राइड हर बाइक टू हर हर्ट्स कंटेंट। उसे बहुत ही ज़्यादा मन था, उसकी दिली मीन्स बहुत ही ज़्यादा उसको दिल कर रहा था कि वो बाइक को चलाए। मिनट्स पास्ड एंड द फादर स्टूड एंड कॉल्ड अगेन टू हिज डॉटर, बहुत मिनट बीत चुके थे। कुछ मिनट बाद पिता ने, जो उसका पापा था वो लड़की का मेलिसा का, उसने फिर से अपनी बेटी को बुलाया, टाइम टू गो नाउ, अब ये समय हो गया है हमारे जाने का। अगेन मेलिसा प्लेडेड, फिर से मेलिसा बोलती, 5 मोर मिनट्स डैड, जस्ट 5 4 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट पापा, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, ओके माई डियर डॉटर, तो वो आदमी हँसता हुआ बोलता है, ठीक है मेरी बच्ची, यू सर्टेनली आर अ पेशेंट फादर, द वुमेन रिस्पोंडेड। तो वो वुमेन जो होती है, वो औरत जो उसके बगल में बैठी होती है, कि वो बोलती है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य है। द मैन स्माइल्ड एंड देन सैड, वो आदमी हंसा और बोला, हर ओल्डर ब्रदर टॉमी वॉज किल्ड बाई अ ड्रंक ड्राइवर लास्ट ईयर वाइल ही वॉज राइडिंग हिज बाइक नियर हेयर। वो फिर अपनी बेटे की कहानी बताता है कि इसका बड़ा भाई टॉमी जो कि मर गया एक ड्रंक ड्राइवर लास्ट ईयर, उसने ड्रंक ड्राइवर मीन्स जो चालक होता है जो गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, वो ड्रंक किया हुआ था, उसके वजह से मेरा बेटा मीन्स मर गया लास्ट ईयर। आई नेवर स्पेंट मच टाइम विथ टॉमी एंड नाउ आई हैड गिव एनी थिंग फॉर जस्ट 5 मोर मिनट्स विथ हिम, मैंने अपने बेटे टॉमी के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया लेकिन अब मैं 5 मिनट्स इसके साथ बिताना चाहता हूँ। आई हैव वोड नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक विथ मेलिसा, मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं ये गलती मेलिसा के साथ कभी नहीं करूँगा। शी थिंक्स शी हैज़ 5 मोर मिनट्स टू राइड हर बाइक, उसे लगता है कि वो सिर्फ अगर चाहती है 5 मिनट सिर्फ बाइक चलाने के लिए। द ट्रुथ इज़ आई गेट 5 मोर मिनट्स टू वॉच हर प्ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो नहीं मांगती है 5 मिनट मुझसे बाइक चलाने के लिए, मैं उसे देता हूँ 5 मिनट इस तरह की मैं उसे खेलता हुआ देख सकूँ। मीन्स यहाँ पे वो जो उसका पिता होता है वो उसे खेलते हुए और देखना चाहता है, मीन्स वो इतना ज़्यादा दुखी होता है अंदर से कि उसका बेटा लास्ट ईयर
एक ड्राइवर के वजह से मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता है। तो वो चाहता है कि मेरी बेटी इसी तरह से हंसती खेलती रहे। तो जब 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 मेलिसा ने 5 मिनट मांगा कि पापा सिर्फ 5 मिनट मुझे दो, मुझे ये बाइक चलानी है, तो वो मेलिसा को हर वो 5 मिनट दिया जब जब मेलिसा ने उससे मांगा। लेकिन वो लास्ट में उस औरत से अपना सच्चाई बताता है कि मेलिसा ने मुझे 5 मिनट तो मांगा ही, मैं उसे देता हूँ 5 मिनट कि मैं उसे खेलता हुआ और 5 मिनट देख सकूँ उसे खेलता हुआ। तो ये थी हमारी स्टोरी फॉर 5 मिनट्स। इसका टीचिंग फैक्ट यही है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग प्रियोरिटीज़ एंड द फैमिली इज़ वन एंड वनली प्रियोरिटी ऑन टॉप ऑफ ऑल अदर्स। मीन्स लाइफ क्या है, एक प्रियोरिटी है जिसको हम लोग महत्व देते हैं। मीन्स किसको हम लोग अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंस देते हैं, कौन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लाइफ में महत्व रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली क्या है, फैमिली भी उसी प्रियोरिटी में से एक है, जो कि सबसे पहले हमारी फैमिली ही आती है, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वो हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है, फिर दूसरे आते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमारी फैमिली होती है। तो ये था हमारा चैप्टर 12 फॉर 5 मिनट्स। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। और अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है टिक ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले द वुमेन वॉज कॉलिंग हर डॉटर फॉल्स, इसमें होगा फॉल्स। सेकेंड द बॉय वॉज राइडिंग ऑन अ बाइक, फॉल्स। सेकेंड में भी होगा फॉल्स। द मैन कुड नॉट गिव टाइम टू मेलिसाज ब्रदर, ट्रू। थर्ड में होगा ट्रू। फोर्थ मेलिसाज फादर हैज़ वोन नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक, इसमें भी होगा ट्रू। फिर फिफ्थ है द वुमेन सेट डाउन नेक्स्ट टू हर डॉटर एट द पार्क, इसमें होगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। अ वुमेन सेट डाउन नेक्स्ट टू अ मैन ऑन अ बेंच नियर अ प्लेग्राउंड। फर्स्ट का होगा वुमेन, फर्स्ट में लिखेंगे वुमेन। लुकिंग एट हिज बाइक द मैन कॉल्ड टू हिज डॉटर, सेकेंड का होगा बाइक। थर्ड द मैन सेड आई नेवर स्पेंट मच टाइम विथ टॉमी, थर्ड का होगा टॉमी। फोर्थ द ट्रुथ इज आई गेट 5 मोर मिनट्स टू वॉच हर प्ले, फोर्थ का होगा 5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लेंगे अपने बुक में। और अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग मॉरल साइंस की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले ऊपर में आप लोग डालेंगे चैप्टर 12 फॉर 5 मिनट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज सिटिंग इन द पार्क, इसका आंसर है अ वुमेन सेट डाउन नेक्स्ट टू अ मैन ऑन अ बेंच नियर अ प्ले ग्राउंड, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर अ वुमेन सेट डाउन नेक्स्ट टू अ मैन ऑन अ बेंच नियर अ प्ले ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द गर्ल सेइंग 5 मोर मिनट्स, इसका आंसर है गर्ल सेड फॉर 5 मोर मिनट्स फॉर कंटिन्यू टू राइड हर बाइक। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज टॉमी, इसका आंसर है टॉमी वॉज अ मेलिसाज ओल्डर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इंसिडेंट हैड हैपेंड विथ टॉमी, इसका आंसर है टॉमी वॉज किल्ड बाई अ ड्रंक ड्राइवर लास्ट ईयर वाइल ही वॉज राइडिंग हिज बाइक। तो ये था हमारा चैप्टर 12 फॉर 5 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।